नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल, कल के सेशन में हमने फिर से पूरे ही कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेड मूव होते हुए देखा, जहां हमने इंटरनेशनल में गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी का रुख कंटिन्यू कायम देखा। थोड़ा बहुत गिरावट इंटरनेशनल में था, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते सोने और चांदी में तेजी रहा। वहीं हमने क्रूड ऑयल के प्राइजेस में कल के सेशन में फिर से एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। क्रूड में हमने करीबन 250 रुपये की गिरावट के साथ प्राइजेस को करीबन 1522 पे क्लोज होता हुआ देखा। नेचुरल गैस में भी 7.5% की गिरावट थी, जो 125-60 पे जाके मार्केट को क्लोज होता हुआ दिखा, जबकि बेस मेटल काफ़ी मिक्स थे, जहाँ पे 1.5% की गिरावट कॉपर में थी, करीबन 6 रुपये की गिरावट हमने देखी। वहीं जिंक रेंज बाउंड था, बट 150 के ऊपर मेंटेन है। निकल में 2% की तेजी थी, जबकि लेड 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करा था। तो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड हमने बेस मेटल में बनते हुए देखा। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, तो इंटरनेशनल में इस वक्त गोल्ड करीबन 1742 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी थी, बट रुपए की गिरावट के चलते डोमेस्टिक मार्केट पे आज भी सोना 46,500 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है अगले 2 सेशन में 47,000 का लेवल भी छू सकता है। तो इंटरनेशनल में भी ध्यान रखिए, अगर जब तक 1720 का लेवल नहीं तोड़ता है, 1756 से लेकर 1770 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। नो डाउट टेक्निकली मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में है, तो कंसेंस बनी हुई है, कभी भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। बट ध्यान रखिए, जब तक 1700 का लेवल, क्योंकि इससे पहले 1700 का लेवल मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये सपोर्ट पे कन्वर्ट हो चुका है। तो जब तक 1700 का लेवल नहीं तोड़ता है, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाएगा। वहीं चांदी की भी बात करें, तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा $16 का लेवल अभी भी तोड़ नहीं पा रहा है। तो आज के सेशन में भी 15:30 से लेकर $16 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, जबकि WTI क्रूड ऑयल में हम फिर से एक भारी गिरावट देख रहे हैं। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा है कि $20 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। आज अर्ली आवर्स में भी हमने $20 का ही लेवल छूते हुए देखा। टेक्निकली अगर बात करें, तो $18 से लेकर 16.5 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से IMF साथ में EIA के जो अपडेट्स आ रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है वो काफ़ी कम है, और जिसके चलते हमें लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस में और गिरावट बढ़ सकती है। साथ में हमने देखा कि सऊदी ने एशियन कंट्रीज़ के लिए जो प्रीमियम्स है वो और घटा दिए हैं, जिसका भी एक नेगेटिव असर ब्रेंट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। आज ब्रेंट करीबन $58 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले 4 सेशन से हम ब्रेंट में कंटिन्यू गिरावट का रुख देख रहे हैं। नेचुरल गैस में ओवरऑल सिनेरियो अभी भी ख़राब है। हमने इनिशियली 1.9 तक प्राइजेस को जाते हुए देखा था, बट अब लगता है कि 1.5 का भी लेवल तोड़ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे 122 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, तो हम फर्दर गिरावट के साथ मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, जो नीचे में 118 तक का भी लेवल दिखा देगा। विक्स इंडेक्स में कल के सेशन में भी हमने गिरावट देखी, आज 36 के करीब है, जो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहा है कल के मुकाबले, जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकता है। डाउ जोन में भी हमने 0.5% की गिरावट देखी, S&P में 0.5% की गिरावट देखी, जिसका सीधा सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के रिजल्टन हम रुपए में भी गिरावट आज होते हुए देखेंगे। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 100 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिसका सीधा सीधा असर रुपए में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम आज के सेशंस की अगर बात करें, तो आज के सेशन में सोने और चांदी में हम साइडवेज टू पॉजिटिव मूव देखेंगे। अनलेस एंड अनटिल 46,400 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है हम 46,850 का लेवल तोड़ के 47,000 तक का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर हम चांदी की बात करें, तो चांदी में भी हमें लगता है कि सिनेरियो पॉजिटिव है, जो अपसाइड के अंदर करीबन आज भी करीबन 1 से 1.25% की तेजी के साथ 44,500 तक का लेवल दिखा सकता है। क्रूड ऑयल में टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो मे बी अगर ये 1470 का लेवल नहीं ब्रीच करता है, तो आज एक उछाल मिल सकता है, जो 1580 से 1620 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी डाउन है, टेक्निकल बाउंस पॉसिबल है, तो हर उछाले पे बेच के ही चलना है। नेचुरल गैस में हमें लगता है गिरावट का रुख है, जब तक 128 का लेवल नहीं तोड़ता है, डाउन साइड में 121 से लेकर 118 तक का लेवल दिख जाएगा। वहीं बेस मेटल की अगर बात करें, तो बेस मेटल में भी सिनेरियो थोड़े से ख़राब ही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि गोल्ड बेस मेटल में आज थोड़ी बहुत एक बाउंस दिखा रहा था, बट ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहने की उम्मीद है। तो आज के सेशन में बेस मेटल के प्राइजेस में बाय ऑन टॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी। कॉपर है जो इंटरनेशनल में, संगाई की अगर बात करें, तो संगाई में करीबन 41,000 के करीब ट्रेड करा है, जबकि LME की अगर बात करें, तो थिंग्स हैव बीन स्लाइटली मिक्स टू पॉजिटिव। तो आज के सेशन में कॉपर है 490 के ऊपर, जब तक मेंटेन है ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, बाइंग करके चलिए। 398 से 400